आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा 9 सेक्शन में आप एक अच्छा बटरफ्लाई हेयर कट कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत वॉल्यूम देते हुए, जिसके लिए हम लोगों ने 9 सेक्शन लिए। तो सबसे राउंड वाला सेक्शन है, सेंटर में हम लोगों ने राउंड सेक्शन किया है और बाकी के बचे आगे 4 और बैक साइड में 4 सेक्शन लिए। तो टोटल 9 सेक्शन में हम लोग ये हेयर कट कर रहे हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट है जिसको मैं फिंगर का एंगल है स्क्वायर, उसको ले रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में और उसको कर रहा हूँ स्ट्रेट कट। आप देख सकते हो स्ट्रेट कट किया, उसको थोड़ा सा पॉइंट कटिंग कर लिया मैंने। पूरा वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। लास्ट वीडियो मैंने इसका ब्लो ड्राई दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना ब्लो ड्राई की टेक्निक। तो दोस्तों उसके बाद मैंने एक सेक्शन खोला, जैसे फर्स्ट सेक्शन ये 9 में से एक हो गया, तो अभी 8 बजे, तो ये 8वां सेक्शन। इसको आपको करना है फिंगर से टिल्ट, जैसे मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। देख सकते हो आप में गाइडलाइन मिल गई, जो सेंटर का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको ये हेयर कट करना है बहुत आसानी से। तो आप देख सकते हो लेफ्ट वाले बाल में राइट की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ और उसको शॉर्ट टू लॉन्ग की तरह कट कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो है वो है शॉर्ट टू लॉन्ग। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक लेयरिंग उनको चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं ये सारा हेयर कट जो है एकदम आराम से और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड सेक्शन, मतलब हमारा 7 नंबर का सेक्शन, जो क्राउन में हमारा पहला जो राउंड सेक्शन था वो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, उसी से हम लोगों ने गाइडलाइन क्रिएट किया है। पीछे का डायरेक्शन अभी मैं आगे लेके जाऊंगा, आगे के डायरेक्शन में आप देख सकते हो आगे की तरफ लेके जाऊंगा। गाइडलाइन मिलने के बाद आपको करना है कट, दोनों साइड से अपने गाइडलाइन है, ऊपर भी गाइडलाइन है और जो हमने फर्स्ट सेक्शन किया उसकी भी गाइडलाइन आ रही है। तो बहुत आगे लेके मैं जा रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है लेंथ लंबा रह रहा है उनका और आप देख सकते हो शॉर्ट टू लॉन्ग लेयर्स आ रही है उनके हेयर्स के ऊपर। तो आप ऐसे तरीके से आपके क्लाइंट को एक बहुत अच्छा और एक सेटल लुक दे सकते हो। और ये हेयर कट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं उन्हें मालूम है कि ये हेयर कट कितना चल रहा है मार्केट में और बहुत सारे मेरे वीडियो इसी के ऊपर वायरल हो रहे हैं और बहुत लोग उसे देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम का पेज नहीं देखा तो गाइस डू फॉलो और वहाँ पे जाके देखो कि मैं कैसे हेयर कट करता हूँ। वहाँ पे भी हमारे अभी 325,000 फॉलोअर हो चुके हैं। तो जो मेरी YouTube फैमिली है, जिन्होंने मुझे Instagram पे भी अपनी फैमिली माना है, वैसे सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है तो दोस्तों आप जाके ज़रूर फॉलो करना। और Instagram के लोगों को भी मैं YouTube पे ला रहा हूँ, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना सकता हूँ, यही एक प्रॉब्लम है। YouTube पे मैं बड़े वीडियो बना सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ प्रॉपर वे से, बट Instagram पे सिखा नहीं सकता। जितने जितने छोटे वीडियो से मैं सिखा सकता हूँ उतनी कोशिश करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट बैक का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ईयर टू ईयर के पीछे का। अभी हम लोग बात करते हैं आगे के सेक्शन की। तो वही हमारा सेंटर में गाइडलाइन है और देख सकते हो मैंने गाइडलाइन उठाया। गाइडलाइन उठाने के बाद अभी यहाँ होगा थोड़ा उल्टा काम। आप देख सकते हो मैं फिंगर अभी पीछे के तरफ लेके जाऊँगा, देख सकते हो आप पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर गाइडलाइन है, उससे मैं शॉर्ट टू लॉन्ग कट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो पीछे का मैंने क्या किया, पीछे का जो पार्ट है वो मैंने ये कर लिया। आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से पीछे के पार्ट उल्टा और जो आगे का पार्ट है उसे मैं उल्टा ये कर रहा हूँ और क्लाइंट को बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा हूँ। और आप देख सकते हो कैसा रिज़ल्ट दे रहा हूँ, प्रॉपरली डिटैंगल कर रहा हूँ, प्रॉपर कोम के साथ लेके जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो वहाँ पे गाइडलाइन मिल गया और जैसे गाइडलाइन मिलता है उसको मैं शॉर्ट टू लॉन्ग कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपके क्लाइंट्स को ये हेयर कट दे सकते हो और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद सेम हमारे लास्ट के दो सेक्शन बचे, अभी वहाँ से गाइडलाइन मैंने ले लिया और लास्ट के दो सेक्शन बचे हैं। टोटल 9 सेक्शन में हमने डिवाइड किया था। बहुत लोग इसे पिज़्ज़ा कट भी बोलते हैं और बहुत सारे नाम देते, क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा जैसे सेक्शन होते हैं इसलिए इसे पिज़्ज़ा हेयर कट भी लोग बोलते हैं। तो शॉर्ट टू लॉन्ग, जैसे आगे का पार्ट है उसे मैं लॉन्ग रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे बालों में बहुत सारा वॉल्यूम आए और बाल भी इनके बहुत खूबसूरत लगे। तो उसी डायरेक्शन में मैं काट रहा हूँ, देख सकते हो आप। और इसका ऑलरेडी मैंने ब्लो ड्राई का वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लो, वहाँ पे मैंने ब्लो ड्राई का भी वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी इसलिए मैंने दो हिस्सों में उसे बांटा। एक में मैंने किया है हेयर कट और दूसरे में किया है ब्लो ड्राई। तो दोस्तों यह है इनका फाइनल रिजल्ट, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अविनाश हेयर केयर। यह है एलनेट का शाइन ये सेटिंग स्प्रे, जिसे थोड़ा सा होल्ड होगा, ज़्यादा होल्ड नहीं होता है, बट हाँ ये बहुत अच्छा स्प्रे है, ये ज़्यादा बालों को कड़क नहीं करता, बहुत स्मूथ रखता है और रिज़ल्ट भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आ रहा है। आई होप आप सारे, अगर आप इससे कुछ सीख पाए तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्द से जल्द
जो मेरा सपना है, ड्रीम है, और मुझे मालूम है कि आप सब लोगों का भी रहेगा जो लोग मुझे मानते हैं कि मेरे जल्द से जल्द मिलियन फॉलोअर हो जाए। तो आपको ही थोड़े एफर्ट देके ये चीज़ें करनी है और जल्द से जल्द अपना मेरा सपना आपको पूरा करना है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जो लोग सीख पा रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करना, और जो लोग नए हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना, और भी आपको कुछ डाउट होंगे ज़रूर मैसेज करना। नेक्स्ट भी मैं वीडियो एक डैंड्रफ ट्रीटमेंट के ऊपर बना रहा हूँ, उसका भी वीडियो बाद डालूँगा। एक हेयर कट का वीडियो है, वो भी मैं आपके लिए शेयर करूँगा। तो और भी बहुत सारे वीडियो है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो तीन दिन में वीडियो बनाऊँ और आपके पास पहुँचाऊँ, जिससे आप कुछ सीख सको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू बाय।